I reside in Shirdi. मतलब मैं शिरडी में रहता हूँ. बोलो. I reside in Shirdi. मतलब मैं शिरडी में रहता हूँ. दूसरा वाक्य. My greatest virtue is compassion. मेरा सबसे बड़ा गुण दूसरों के प्रति करुणा है. बोलो. My greatest virtue is compassion. मतलब मेरा सबसे बड़ा गुण दूसरों के प्रति करुणा है. चेतन, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? जरा बोल के बताओ. My greatest virtue is compassion. नहीं चेतन, मैं तुम्हें सिखाता हूं. अब जैसा मैं बोलूं वैसा बोलो. माई ग्रेटेस्ट वर्च्यू इज कंपैशन. बोलो. माई ग्रेटेस्ट वर्च्यू इज कंपैशन. शाबाश बच्चों, अब ये दोनों वाक्य हम वापस से दोहराएंगे. आई रिसाइड इन शिरडी. आई रिसाइड इन शिरडी. मतलब मैं शिरडी में रहता हूँ. My greatest virtue is compassion. मेरा सबसे बड़ा गुण दूसरों के प्रति करुणा है. बच्चों, अब हम एक और वाक्य सीखेंगे. I will always respect my elders. मतलब मैं हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करूंगा. बात नहीं सरकार, मछली को पानी से बाहर निकालो तो वो छटपट आती है. ये श्रीकांत और ये साई जो कर रहे हैं ना, ये वही है इनकी छटपटाहट. क्योंकि ये अब जान चुके हैं कि इनका खेल अब खत्म हुआ है, तभी तो सत्ता वापस पाने के लिए बेचैन है वो. लेकिन तोते की तरह चार बातें रटकर अंग्रेजी नहीं सीखी जा सकती. ऐसी पढ़ाई से इनका कुछ नहीं होने वाला सरकार. लेकिन बलवंत जी, ये श्रीकांत सार्वजनिक रूप से आपके आदेश की अवमानना कर रहा है. क्या आप ऐसे ही माफ कर देंगे इसे? बलवंत ना कभी भूलता है और ना कभी माफ करता है. इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी. लेकिन श्रीकांत या इस फकीर को नहीं, इन बच्चों को आज ही स्कूल में, ताकि कल से ये यहां आने की हिम्मत ही ना करें. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.